प्यारे बच्चों, आपको याद ही है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे हम, और उसमें क्वेश्चन 5 तक उसके पार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 और उससे आगे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6th पार्ट पे जो क्वेश्चन है वो लिखा है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसमें जो एक्स आप देख रहे हैं ना, वो जीरो से बड़ा है। ठीक है, ओके। और प्रोसीजर, वही प्रोसीजर, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू में बेटा 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 और एक्स का क्या हो गया 1, मतलब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/2 प्लस 2। और 1/x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने आपको हमेशा बताया है कि कुछ डिफरेंशियल, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप लर्न ही कर लो, उसमें ये 1/x का भी हमने बताया था -1/x² आता है। तो 2 × -1/x² मीन्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 -2/x². लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए जी डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। ओके, जी डैश एक्स की वैल्यू है 1/2 -2/x² इज इक्वल टू 0। इसमें जब आप ये माइनस है इसको अगर उधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/x², ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, देन एक्स इज इक्वल टू +-2। ओके, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक है एक्स इज इक्वल टू +2 और एक वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू -2। एक एक्स इज इक्वल टू +2 या एक्स इज इक्वल टू -2। अब इसमें देख रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इन दोनों वैल्यूज में से ये वैल्यू 0 से छोटी है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, सो दिस वैल्यू विल नॉट बी पॉसिबल। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि एक्स की ये वैल्यू तो 0 से भी छोटी है, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ी ये वैल्यू है, ये 0 से छोटी है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक, अब एक्स इज इक्वल टू 2। अब उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ मान जो भी है वो पता लगाने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता लगाना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब समीकरण 1 से हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, जी डबल डैश एक्स। जी डबल डैश एक्स 1/2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 -2/x². इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2 हमने लिख दिया, और एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इट्स डिफरेंशियल कोफिशियंट विल बी 0 -2, इसे ऊपर ले जाएंगे एक्स टू द पावर -2, इसका डिफरेंशियल कोफिशियंट हमें करना पड़ेगा। तो जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, -2 एक्स टू द पावर -2 -1, एन एक्स टू द पावर एन -1, -2 × -2 दिस विल बी 4 × x^-3, इसे हम ऐसा कर सकते हैं। तो 4 और x^-3 को हम
अपॉन एक्स टू द पावर प्लस थ्री करेंगे। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक्स इज इक्वल टू टू पर जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू दो लेनी है ना वो क्रिटिकल पॉइंट, उस पर जी डबल डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, तो हम ये फोर लिखेंगे अपॉन एक्स की जगह पर टू लिखेंगे और टू का क्यूब करेंगे। आप देख सकते हैं ये फोर अपॉन एट दैट इज वन अपॉन टू, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें मतलब इस बात से नहीं है कि वैल्यू आती कितनी है, मतलब इस बात से है कि उस वैल्यू का साइन कैसा है। एंड नाउ यू आर सीइंग दैट द साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू टू इज पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट एट एक्स इज इक्वल टू टू द गिवन फंक्शन इज मिनिमम, द गिवन फंक्शन इज मिनिमम। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए एक्स बराबर दो पर एक्स बराबर दो पर दिया गया फलन निम्निष्ठ है। ठीक है, अच्छा आपको पता क्या लगाना है, क्वेश्चन में ऊपर ही दिया हुआ था, पहले तो निम्निष्ठ या उच्छिष्ट के बिंदु पता लगाने और फिर वो मान भी पता लगाना है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए फलन के निम्निष्ठ का बिंदु, फलन के निम्निष्ठ का बिंदु, निम्निष्ठ का बिंदु क्या है, एक्स इज इक्वल टू टू। आप चाहें तो यहां पर आप स्थानीय लिख सकते हैं, फलन के स्थानीय निम्निष्ठ का बिंदु एक्स इज इक्वल टू टू, और फलन का स्थानीय निम्निष्ठ मान, फलन का स्थानीय निम्निष्ठ मान, उसके लिए हमको क्या करना रहता है, जो हमारा फंक्शन दिया होगा उसमें एक्स की जगह पर वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो एक्स की जगह टू लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ टू निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू आप लिख सकते हैं, तो टू अपॉन टू प्लस टू अपॉन टू, एक्स की जगह टू तो टू अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स की जगह फिर टू, दिस इज वन एंड दिस विल बी टू। इस तरह से जो भी फंक्शन हमें दिया गया है सिक्स पार्ट पे उसके निम्निष्ठ का बिंदु टू है और उसका स्थानीय निम्निष्ठ जो मान है वो भी टू है। अब आप चाहें तो इसका आंसर चेक करते हैं, एक्स बराबर दो पर स्थानीय निम्नतम है और स्थानीय निम्नतम मान भी दो के बराबर है। इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर थ्री का सिक्स पार्ट, आप प्लीज़ इसे नोट कर लें, इसके बाद हम सेवेंथ पार्ट पे आते हैं। ओके जल्दी से नोट कर लें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेवेंथ पार्ट, इसमें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टू है। सबसे पहले मुझे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना रहेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसमें कोसियंट रूल भी लगा सकते हैं अंश और हर से, और आप चाहें तो पहले वन अपॉन एक्स का करें और फिर इस एक्स का आप कर सकते हैं। चलिए वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशियंट क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिया भाई, इसको हमने एक्स मान लिया ना इसको पूरे को, तो वन अपॉन एक्स का हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब जिसको हमने एक्स माना रियल में तो एक्स नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू का करेंगे तो टू एक्स ये और आ जाएगा। इस तरह से जी डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टू का होल स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए जी डैश एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो,
इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, इसे उधर भेज देंगे तो ये आपको मिलेगा टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक, अच्छा अब हमको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। अब समीकरण एक से, ये है इक्वेशन नंबर वन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमको। उसके लिए मैं एक काम करूँगा, इसमें कोशेंट रूल मैं लगा दूंगा, अंश और हर। फॉर्मूला क्या होता है हर? तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल स्क्वेयर हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, ये माइनस आप बिल्कुल बाहर यहाँ लगा दें क्योंकि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, और उसके बाद अंश और हर पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। अंश क्या है? टू एक्स, टू एक्स का अवकल गुणांक करोगे तो टू, माइनस अंश, अंश हमने टू एक्स लिख दिया, हर का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक पर करोगे तो पहले इसको पूरे को आपको एक्स मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? टू एक्स, मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू का करेंगे टू एक्स और आ जाएगा, अपॉन हर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू टू द पावर फोर। इस तरह से ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा, फिर से हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स, ठीक, अपॉन हर स्क्वायर। अब ये आ गया जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये है टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू टू जार फोर टू जार एट एक्स स्क्वायर, दो दुना चार दुना आठ एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू टू द पावर फोर। ओके, अच्छा अब हमें तो जी डैश एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चाहिए। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जी डैश एक्स इज इक्वल टू, तो जहां जहां भी एक्स है सब जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? जीरो। ये माइनस आगे है, यहां लिखिए एक्स की जगह जीरो लिखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, जब एक्स जीरो हो जाएगा तो बाहर का टू और ये टू स्क्वायर बचेगा, दो दूना चार दूना आठ बन जाएगा, माइनस ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि जब ये जीरो होगा तो ये सब को जीरो कर देगा। यहाँ जीरो लिखेंगे, जीरो हो जाएगा, और दो की घात चार लगाएंगे तो ये 16, दो दूना चार दूना आठ दूना 16, इस तरीके से ये वैल्यू आप देखेंगे, आठ दूना 16 माइनस 1/2, वैल्यू कितनी आ रही है आई डोंट केयर, बट व्हाट इज द साइन ऑफ दिस वैल्यू? नाउ यू आर सीइंग द साइन ऑफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एक्स बराबर जीरो पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, स्थानीय उच्चिष्ट है, स्थानीय उच्चिष्ट है। ठीक, अब फिर से वही दोनों बातें बतानी है, इसलिए फलन के स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु फलन के स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु, तो फलन के स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु x बराबर जीरो, फलन का स्थानीय उच्चिष्ट मान स्थानीय उच्चिष्ट मान, इसके लिए तो फंक्शन में आपको एक्स की जगह पे जीरो लिखना पड़ेगा, ओ सॉरी जी है ना, तो आप फिर जी ऑफ जीरो निकालोगे इसमें, और जैसे जीरो लिखेंगे तो ये 1/2 वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया सेवेंथ पार्ट का। आप इसको चेक करेंगे, आप पाएंगे एक्स बराबर जीरो पर स्थानीय उच्चतम, और स्थानीय उच्चतम मान 1/2 के बराबर है।
यहाँ पर जीरो पर आप चेक कर सकते हैं, जीरो दो दुना चार दुना आठ माइनस जीरो अपॉन 16। ठीक है, इस तरह से ये हमने सेवेंथ पार्ट भी इसका कर लिया। आप प्लीज़ जल्दी से नोट कर ले, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का यानी कि एट्थ पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री का एट्थ पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स। ओके, अब इसको हमें इसका स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से उसे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ जो दी है कि एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो जीरो और वन के बीच में होनी चाहिए। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। ओके, अच्छा तो अब इसको कैसे आपको करना है? अब आपको करना ऐसे है, इसे एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो हम इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन, दूसरे का अवकल गुणांक। जब अंडर रूट वन माइनस एक्स का आप अवकल गुणांक करेंगे, इसको एक काम कर लेते हैं, इसको मैं एक और दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ, वो आपको और भी ज़्यादा इजी लगेगा। कैसे? इसको ऐसे डायरेक्ट करने के बजाय आप इसका स्क्वेयर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स। ये एक्स स्क्वेयर हो गया, ये वन माइनस एक्स हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन पे स्क्वेयर लग गया, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ। देखिए, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बड़ा इजी डिफरेंशिएशन रहेगा। दूसरा, आप सोचेंगे कि दिखाना तो हमें एफ एक्स को उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो अभी भी हम एफ एक्स को ही उच्चिष्ट या निम्निष्ठ दिखाएंगे, बस फर्क इतना हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अब हम केवल, हमने इसको क्या मान लिया? जी एक्स। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इससे, और ध्यान से देखो कि एफ एक्स का जो स्क्वायर है वो जी एक्स के बराबर है। इसका मतलब साफ है कि अगर जी एक्स उच्चिष्ट होगा तो एफ एक्स भी उच्चिष्ट होगा, अगर जी एक्स निम्निष्ठ होगा तो एफ एक्स भी निम्निष्ठ होगा। आप देखिए ना, एफ एक्स का होल स्क्वायर बराबर जी एक्स है, तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट जी एक्स। तो जब जी एक्स मैक्सिमम होगा तो एफ एक्स मैक्सिमम होगा, जी एक्स मिनिमम होगा तो एफ एक्स मिनिमम होगा। बस ये केवल हम लोग तरीका यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा करने से आपका जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसीजर रहेगा बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हम इसी को लेकर अपना कैलकुलेशन करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। ओके, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जी डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए जी डैश एक्स का जो मान है वो जीरो के बराबर आना चाहिए, तो हमने ले लिया टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों से हम एक्स कॉमन कर लें तो ये हमें मिलेगा टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक बार ये एक्स जीरो के इक्वल लेंगे तो जीरो, ये टर्म जब जीरो के इक्वल लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी टू अपॉन थ्री। एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, जीरो और टू अपॉन थ्री। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और एक से छोटी होनी चाहिए, मतलब जीरो को हम नहीं ले सकते क्योंकि जीरो से बड़ी लेनी है हमको, जीरो नहीं ले सकते।
लेकिन 2/3 ले सकते हैं क्योंकि ये 0 और 1 से बीच में है, तो 2/3 वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब समीकरण एक से, समीकरण एक से हमको G" x चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, वो निकालेंगे। 2 - 6x हो जाएगा, 2x का 2 हो गया, 3x² का 2x होगा, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। अब x = 2/3 पर G" x = कि जो x की वैल्यू 2/3 है, इस पर हम G" x निकालेंगे। तो 2 - 6 × x की जगह 2/3, 3 × 2 = 6, ये 2 - 2 = 4, वैल्यू आप देखिए क्या आ गई, -2। मैं फिर से वही आपसे बोलूँगा कि मतलब हमें इससे नहीं है कि G" x की वैल्यू कितनी आई है, मतलब हमें इससे है कि जब हमने x की जगह 2/3 लिखा तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका साइन कैसा है, साइन नेगेटिव है आप देख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं x = 2/3 पर x = 2/3 पर, देखो ध्यान से, एक्चुअली x = 2/3 पर जो g(x) है वो उच्छिष्ट है, लेकिन अगर g(x) उच्छिष्ट है तो f(x) भी तो उच्छिष्ट है, g(x) के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, आप देखें, अगर ये उच्छिष्ट तो ये भी उच्छिष्ट, ये निम्निष्ट तो ये भी निम्निष्ट, तो हम लिख सकते हैं x = 2/3 पर दिया गया फलन उच्छिष्ट है। ठीक, आई होप कि अब ये चीज आपको समझ में आ गई, एक्चुअली x = 2/3 पर g(x) उच्छिष्ट है, लेकिन क्योंकि जब g(x) उच्छिष्ट तो f(x) उच्छिष्ट, इसलिए x = 2/3 पर दिया गया फलन उच्छिष्ट है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए दिए गए फलन के, दिए गए फलन के उच्छिष्ट का बिंदु, दिए गए फलन के उच्छिष्ट का बिंदु क्या है, 2/3 है, इसलिए दिए गए फलन का उच्छिष्ट मान, दिए गए फलन का उच्छिष्ट मान, आप स्थानीय उच्छिष्ट मान लिख सकते हैं, स्थानीय उच्छिष्ट का बिंदु, स्थानीय उच्छिष्ट मान, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर 2/3 लिखना पड़ेगा, फलन में x की जगह 2/3 लिखना पड़ेगा। तो ये हमने x की जगह 2/3 लिखा, √1 - x की जगह 2/3 लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना रहेगा आपको, ये आएगा f(2/3) = 2/3 इंटू, वन में से 2/3 को माइनस करेंगे, 1/3, 1/3, आप चाहें देखो, 2 तो 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 3 √3, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 1, 3 to the power 1/2, इस तरह से 3 to the power 3/2 बन जाएगा, और ये वैल्यू आ गई f(2/3) की। इसको आप चेक करके देख सकते हैं कि किस तरह से इसका आंसर आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। x = 2/3 पर स्थानीय उच्चतम, और स्थानीय उच्चतम जो मान है वो 2√3/9 आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम इसको ऐसा कर देते हैं, देखिए कैसे, इसको आप ऐसे कर लो, ये f(2/3) की वैल्यू कितनी बची, 2/3√3, हम √3 से अंश और हर में गुणा करवा देते हैं, तो ऊपर क्या बन गया, 2√3, नीचे √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, वो 3 को 3 से कर दोगे 9 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी f(2/3) की। इस तरह से
ये आपका आंसर भी आ गया। देखो तो जब भी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा आपको क्वेश्चन मिले जिसमें उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा चला जाए या आपको लगे कि बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने में, तो आप कुछ भी इस तरीके का आप कर सकते हो। ठीक है, आप ज़्यादा क्वेश्चन को बढ़ाएं नहीं, च्युइंगम की तरीके से आप इस तरीके से उसको इजी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें 3 नंबर तक क्वेश्चन कर लेता, आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, 4 नंबर पर आ जाते हैं हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है सिद्ध करिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, ये हमको बताना है कि निम्नलिखित फलनों का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है। तो वही प्रोसीजर है, उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, एच डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदुओं के लिए एच डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड एच डैश एक्स इज ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0 में आप थोड़ा ध्यान से देखें, कोई भी एक्स की कोई भी वैल्यू आप सोचिए जिसको आप यहाँ रखेंगे और फिर ई टू द पावर उस वैल्यू का मान 0 आ जाएगा। आप ऐसी कोई वैल्यू पा ही नहीं सकते, इसका मतलब है फलन में या वक्र में ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसके लिए एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली देयर इज नो एनी एक्स फॉर विच एनी एक्स फॉर विच एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जिसके लिए एच डैश एक्स का मान 0 के बराबर हो। एक्स की बेटा ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं मिलेगी आपको, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है एक्स की जिसको मैं ई की पावर में लिख दूं और इसको सॉल्व करने से हमें 0 मिल जाए। देर इज नो एक्स फॉर विच एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें एक्स का मान ही नहीं मिला। एक्स का मान नहीं मिला मतलब कर्व पर क्रांतिक बिंदु ही नहीं है। अब अगर कर्व पर क्रांतिक बिंदु ही नहीं है, कर्व पर क्रांतिक बिंदु ही नहीं है, इसका मतलब उस फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः दिए गए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, दिए गए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक, अब ये सेकेंड पार्ट आप देखिए इसका, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x। ओके, अब लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जी डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज जी डैश एक्स, जी डैश एक्स इज 1/x इज इक्वल टू 0। अब आप फिर खुद देखिए, अगर हम 1/x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व भी करेंगे ना, देन एक्स विल बी इन्फिनिटी। अब आप क्या समझ सकते हैं, आप इसको देखकर खुद एक बात समझ रहे होंगे कि
जब एक्स इन्फिनिटी है तो जी डैश एक्स जीरो है, मतलब साफ है कि एक्स की कोई वास्तविक वैल्यू, कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए जी डैश एक्स का मान जीरो हो। तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए एक्स का कोई भी वास्तविक मान नहीं है, एक्स का कोई भी वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वक्र पर ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, इसका मतलब कर्व पर हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिला तो फिर उस फलन का भी कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं हो सकता। तो हम यहाँ के लिख देंगे, तो दिए गए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, अतः दिए गए फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, इस पर भी हमें यही चेक करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एच डैश एक्स इज इक्वल टू, दिस इज थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, दिस इज थ्री एक्स स्क्वेयर, दिस इज टू एक्स, और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट वन, और वन का जीरो हो जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। क्रांतिक बिंदुओं के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एच डैश एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको हम जीरो के बराबर करेंगे, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसके आप फैक्टर करिए, तो फैक्टर करना सभी बच्चे जानते हैं, आप वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री का कोई भी ऐसा फैक्टर कि प्लस करने से टू बने, हो ही नहीं सकता। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको इसे करना पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज़ देखें, मैं इसका सबसे पहले विविक्तकर निकालना चाहता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो इसका मैं विविक्तकर वैल्यू निकाल के देखना चाहता हूँ कि क्या इसकी कोई रियल वैल्यू मिलेगी हमको। विविक्तकर, विविक्तकर के लिए अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी चाहिए। बी की जगह पर देखो, आप सभी बच्चे जानते हो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब आप इससे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से आप कंपेयर करेंगे, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये होता है, तो इसका विविक्तकर बी की जगह पर कौन है, टू, टू का स्क्वायर फोर, 4a इंटू सी, फोर को a और c दोनों से मल्टीप्लाई करना, a 3 है c 1 है, तो 4 थ्री ज़ार 12, 1 ज़ार 12, और आप देख रहे हैं ये माइनस 8 है। माइनस 8 का मतलब है ये काल्पनिक है। विविक्तकर, आई एम सॉरी, विविक्तकर के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालेंगे, विविक्तकर माइनस 8 आ गया। ये कैसी आ गई वैल्यू, नेगेटिव आ गई। तो आप इससे क्या समझे, द्विघात व्यंजक का अगर डिस्क्रिमिनेंट अर्थात उसका विविक्तकर अगर नेगेटिव आ गया है, तो इसका
यह संकेत है, इस बात का संकेत है ये कि इस द्विघात व्यंजक का कोई वास्तविक मान नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए फलन में एक्स का ऐसा कोई फलन में एक्स का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए एच डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो। ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए एच डैश एक्स जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगर कोई वास्तविक मान नहीं है तो फिर आप क्या बोल सकते हो, अर्थात फलन पर कोई क्रांतिक बिंदु ही नहीं है। अगर क्रांतिक बिंदु नहीं है तो दिए गए फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान भी नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः दिए गए फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक भाई, फंक्शन पर बेटा कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, टर्निंग पॉइंट मिलेगा कोई आपको, तो ही तो आप फलन का उच्चतम या निम्नतम मान मालूम कर पाएंगे। पर फंक्शन पर कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलता तो फिर उस फंक्शन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होता। यही आपको प्रूफ भी करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा है प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन में आप देखें कि फर्स्ट पार्ट है जो 5 नंबर का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -2 to +2। ये क्वेश्चन है आपको इस इन अंतरालों पर, इस क्वेश्चन को लिए देखें तो इस इंटरवल पर आपको इस फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। अगर आप सभी बच्चों को याद हो तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें इंटरवल्स दिए जाते थे हमको, क्लोज्ड इंटरवल, उनमें अंतरालों वाले, दिए गए अंतरालों वाले क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रोसेस आपको याद दिला देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ क्या होता था। आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल करेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, वहाँ से एक्स की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, एक्स की जो वो वैल्यूज़ मिलेंगी उन वैल्यूज़ पर, और ये जो क्लोज्ड इंटरवल दिया है इन वैल्यूज़ पर आप फंक्शन के मान निकालेंगे और वहां से तय करेंगे कि निम्नतम क्या है और उच्चतम क्या है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3x² मिलेगी। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स को 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स मतलब 3x² शुड बी इक्वल टू 0। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x² इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब देखो x की वैल्यू एक हमको मिली, इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल मतलब -2 भी आप ले सकते हैं, +2 भी ले सकते हैं। अब आपको करना ये है सॉरी, आपको करना ये है कि आप अपने फंक्शन की वैल्यू इन वैल्यूज पर भी निकालो और इस पर भी निकालो। आप चाहें तो उसके लिए एक नंबर लाइन आप बना सकते हैं दिखाने के लिए, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2, सपोज दिस इज -2 एंड दिस इज +2, सो 0 विल बी एनी वेयर हियर बिटवीन -2 एंड +2। ओके,
अब इन तीनों मानों पर हम अपने फलन का मान निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस टू पर f ऑफ माइनस टू, x की जगह माइनस टू लिखेंगे और f ऑफ माइनस टू निकालेंगे। तो ये माइनस टू का क्यूब, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एट। अब x इज इक्वल टू ज़ीरो पर निकालेंगे, तो f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। x इज इक्वल टू टू पर f ऑफ टू इज इक्वल टू टू क्यूब, दैट इज एट। क्वेश्चन में पूछा गया है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान। तो देखो, निरपेक्ष उच्चतम मान कौन है, एट, सबसे बड़ी वैल्यू यही है ना, और निरपेक्ष निम्नतम मान कौन है, माइनस एट, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू ये है इस इंटरवल पे। तो लिख देंगे, इसलिए दिए गए फलन के दिए गए अंतराल पर निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चतम मान आठ और निरपेक्ष निम्नतम मान है माइनस आठ। तो जब कोई इंटरवल ऐसे दिया जाता है, क्लोज्ड इंटरवल, तो उस पर आप निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालने के लिए ये प्रोसीजर यूज करेंगे, ठीक है। और भी देखिए क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी करते हैं। सेकंड पार्ट, जैसे आप देखिए, लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। ये हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, 5 नंबर का। सेम प्रोसीजर यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखें, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है, f डैश x इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x, और cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा साइन x। ओके, अच्छा, अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू जीरो। आप इसका जब पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा साइन x इज इक्वल टू cos x, cos x अगर इधर ले आएंगे तो साइन अपॉन cos tan x इज इक्वल टू वन, देन x इज इक्वल टू tan x की वैल्यू 0 से 180 के बीच में कहाँ कहाँ पर 1 आएगी, तो ये आएगी पाई बाई 4 के लिए, और तो किसी के लिए 1 आएगी नहीं। तो ठीक है, x का ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब देखो, x की ये वैल्यू मुझे मिली, बाकी ये दो बिंदु ये इंटरवल के हमको दिए। अब इन तीनों बिंदुओं पर बड़ी आसानी से हम क्या करेंगे कि अपने फलन के मान निकालेंगे और वहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि कौन सबसे उच्चतम वैल्यू है और कौन सबसे निम्नतम वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब x इज इक्वल टू जीरो पर, सबसे पहले x बराबर जीरो पर हम f ऑफ x निकालेंगे। x बराबर जीरो पर f ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो तो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन। फिर x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर निकालिए। भाई जीरो पर निकालोगे, पाई पर निकालोगे, पाई बाई फोर पर निकालेंगे। तो हमने जीरो पर निकाल दिया, पाई बाई फोर पर निकाल दे रहे हैं,
एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर एफ ऑफ पाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर इज वन अपॉन अंडर रूट टू, कॉस पाई बाई फोर इज वन अपॉन अंडर रूट टू, दिस इज टू अपॉन अंडर रूट टू और अंडर रूट टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू पाई पर, एक्स इज इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन में एक्स की जगह पाई लिख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और साइन पाई बाई टू वन, साइन पाई इज अगेन जीरो, कॉस पाई माइनस वन, तो ये माइनस वन आ गया। अब आप इन तीनों में कंपेयर करिए, अंडर रूट टू को आप लिख सकते हैं 1.414। अब तीनों में देखिए कि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है, निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है। निरपेक्ष उच्चतम मान तो ये है और निरपेक्ष निम्नतम मान ये है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू है इन तीनों में, इसलिए फलन के इसलिए दिए गए फलन के दिए गए अंतराल पर इसलिए दिए गए फलन के दिए गए अंतराल पर निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान माइनस वन, निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान 1.414 या अंडर रूट टू हम लिख सकते हैं। आप चाहें तो आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव का सेकंड पार्ट, निरपेक्ष निम्नतम मान माइनस एक है और निरपेक्ष उच्चतम मान अंडर रूट टू है। फर्स्ट पार्ट पे निरपेक्ष निम्नतम मान था माइनस एट और निरपेक्ष उच्चतम मान था प्लस एट। ओके ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फाइव के दो पार्ट्स किए, आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम फाइव के थर्ड और फोर्थ भी आपको करके दिखा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का फोर्थ पार्ट आप देखें, दे जो कि लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वेयर 1/2 एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम माइनस टू टू प्लस 9/2। ओके, सेम प्रोसीजर बेटा, कुछ भी अलग नहीं करना है, जैसे बाकी पिछले दो पार्ट किए हैं आपने पाँच के, वैसे ये वाले दोनों पार्ट भी आपको पाँच के कर देने हैं। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए अवकलन, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी फोर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 से ये 2 कैंसिल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस x। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स क्रांतिक बिंदुओं के लिए आप चाहो तो लिख दूं, अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होना चाहिए, मतलब 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 4। अब एक्स की ये वैल्यू तो वैल्यूज पहले भी थी, ये एक हमको मिली, अब इन तीनों वैल्यूज पर हम अपने फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लोग कर लेते हैं, आप चाहें तो नंबर लाइन बना सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस टू, सपोज ये पॉइंट माइनस टू को रिप्रेजेंट करता है, 9/2, 9/2 का मतलब है 4.5, तो ये मान लेते हैं कि ये 4.5 है, 4.5 मीन्स 9/2, और फोर फोर इनके बीच में कहीं पर यहाँ पर रहेगा ये फोर, बस इन्हीं तीनों पर आपको फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस टू पर,
एफ ऑफ माइनस टू, एक्स की एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर पहले एफ ऑफ माइनस टू चाहिए, तो फोर की जगह पर फोर, एक्स की जगह पर माइनस टू, माइनस वन बाई टू, माइनस टू स्क्वेयर। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें बेटा, ये माइनस एट हो जाएगा और ये हो जाएगा दो दूना चार, चार बटे दो, दो माइनस टेन। देखिए फोर टू ज़ार एट, माइनस एट, चार बटे दो, दो आ गया, माइनस आठ और माइनस दो माइनस दस। अब और भी देखो, एक्स बराबर चार पर, एक्स इज इक्वल टू फोर पर एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर, एक्स की जगह चार लिख दो आप, तो फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, एक्स स्क्वेयर मतलब फोर स्क्वेयर, तो एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर फोर जार सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन अपॉन टू दिस इज एट। इस तरह से ये वैल्यू आ गई एट। अब एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई टू पर, अब नौ बटे दो पर निकालिए, नौ बटे दो पर एफ ऑफ नाइन बाई टू इज इक्वल टू, एक्स की जगह नाइन बाई टू लिख दीजिए, फोर इंटू नाइन बाई टू माइनस वन बाई टू, और नाइन बाई टू का स्क्वेयर करना पड़ेगा हमको, ये इससे कैंसिल करो, दो दूना चार, नौ दूना अट्ठारह, माइनस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 81/8 बन जाएगा, दो दूना चार, चार दूना आठ। अब इसे आप और सॉल्व कर लो, एट एलसीएम ले लिया, आठ से इसको गुणा करेंगे, आठ अट्ठे 64, आठ एकम आठ छः 14, माइनस 81, चार में से एक गया तीन, 14 में से आठ गए 6/8, ये आ गया एफ ऑफ 9/2। ठीक है, अब आप इसको अगर डिवाइड भी कर लेते हैं तो आठ अट्ठे 64, आठ सत्ते 56, 63 में 56 चले गए, कितने बचे सात, सात बचे तो आठ अट्ठे 64, 70 में 64 चले गए, 6 बचे, आठ सत्ते 56। अब इनमें तीनों में कंपेयर करके देखो, निम्न निरपेक्ष उच्चतम मान कौन सा है, निरपेक्ष उच्चतम मान है ये, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, अब आप समझदार हैं कर सकते हैं तो मैं यही लिख देता हूँ, निरपेक्ष उच्चतम मान 8 है और निरपेक्ष निम्नतम मान -10 है। निरपेक्ष निम्नतम मान 10 है। आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 था इसका थर्ड पार्ट, निरपेक्ष निम्नतम मान -10 और निरपेक्ष उच्चतम मान है 8। ओके लास्ट क्वेश्चन, ये इसका मतलब 5 नंबर का लास्ट पार्ट, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सबसे पहले हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x-1, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का अवकलन करोगे 2x-1, 3 का 0 हो जाएगा। क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, एफ डैश एक्स मतलब 2x-1 इज इक्वल टू 0, देन x-1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। अगेन यू कैन मेक अ नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और नंबर लाइन पे तीन बिंदु, -3, 1 और 1, तो सपोज दिस इज -3 एंड दिस इज 1। अब इस बार बड़ा कोइंसिडेंस तो ये है, इत्तेफाक ये है कि हमारा एक्स भी 1 आया है और इसमें भी 1 है। अब आप नंबर लाइन पे दो जगह तो 1 दिखा नहीं सकते, इसलिए -3 तो ये दिखाया और ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों
इसी जगह दिखाए जाएंगे, इसलिए एक ही x के दो ही मान आपको मिल पाएंगे। अब इन वैल्यूज पर हम अलग अलग करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस थ्री पर फलन का मान, यानी कि f बराबर f ऑफ माइनस थ्री, f ऑफ माइनस थ्री चाहिए, जहाँ x है वहाँ माइनस थ्री लिख दो, तो यह आ जाएगा माइनस थ्री माइनस वन स्क्वेयर प्लस थ्री, माइनस थ्री माइनस वन स्क्वेयर प्लस थ्री। इससे आप सॉल्व करो, माइनस तीन माइनस एक, माइनस चार का स्क्वायर क्या बना, सोलह, सोलह और तीन उन्नीस। एक्स इज इक्वल टू वन पर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, एक्स की जगह वन लिख दो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा वन माइनस वन होल स्क्वेयर प्लस थ्री, ये बेटा जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो गया और ये क्या बचेगा, केवल थ्री। इस तरह से फलन का स्थानीय या निरपेक्ष उच्चतम मान 19 आया, निरपेक्ष उच्चतम मान 19 है और निरपेक्ष निम्नतम मान 3 है, ठीक है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान, अगेन यू कैन चेक योर आंसर, निरपेक्ष निम्नतम मान 3, निरपेक्ष उच्चतम मान 19, ठीक। इस तरह से ये 5 नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आप इसे नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है यदि लाभ फलन, हमको एक लाभ फलन दिया गया है, प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वेयर से प्रदत्त है, होगा किसी फर्म का अपना लाभ फलन इससे दिया जाता है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करिए, आपको उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना है, उच्चतम लाभ हमको ज्ञात करना, ये आप सभी बच्चे याद रखेंगे। सबसे पहले फलन का हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो यहां लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे तो पी डैश एक्स इज इक्वल टू 41 का 0, ये 72, दिस इज 36 एक्स, 72 एक्स का 72, 18 एक्स स्क्वायर का 18 और एक्स स्क्वायर का 2x, 36 एक्स आ जाएगा। लेट इक्वेशन नंबर 1, क्रांतिक बिंदुओं के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा, अभी तक आप दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान निकालते थे, बस अभी आपका वही फलन लाभ फलन में कन्वर्ट हो गया है, उसका उच्चतम मान निकालना है आपको, निम्नतम नहीं चाहिए, निम्नतम अगर आए भी तो हमको नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्रांतिक बिंदुओं के लिए पी डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0, पी डैश एक्स मीन्स माइनस 72 माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू 0, अगर माइनस 72 अगर हम इसको उधर भेज देते हैं या इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये मुझे मिलेगा माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू 72, एक्स इज इक्वल टू इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2, 36 दुना 72 माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि उच्चतम होगा या निम्नतम होगा लाभ, ये डिसाइड नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अब समीकरण एक से पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स करेंगे तो 72 का भी 0 हो जाएगा और ये सीधे सीधे माइनस 36 आ जाएगा, ठीक। तो पी डबल डैश एक्स आ गया माइनस 36, ओके। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पर पी डबल डैश एक्स कितना है, तो पी डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस 36 है क्योंकि इसमें कोई एक्स है नहीं, अगर होता तो हम उसकी जगह माइनस 2 लिखते, नहीं है तो यही वैल्यू इसकी आ जाएगी माइनस 36। मैं पहले भी आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ
कि वैल्यू कितनी है, आई डोंट केयर वैल्यू का साइन कैसा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, मुझे उससे मतलब है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर जो लाभ फलन है वो उच्चतम है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर लाभ फलन उच्चतम है। अब यहां से एक बात मुझे अभी यहां से आंसर नहीं आया, देखिए यहां से हम केवल ये पता लगा पाए हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम है। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आप प्रॉफिट फंक्शन पे लिख सकते हैं, इसलिए अर्जित कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, इसलिए कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ के लिए आपको एक्स की जगह माइनस दो लिखना पड़ेगा लाभ फलन में। फिर से कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ निकालना है तो लाभ के फलन में एक्स की जगह माइनस दो लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्स बराबर माइनस दो पर लाभ फलन उच्चतम है। ठीक, अच्छा, अब इसकी जगह जब आप लिखोगे तो इसको सॉल्व करो, 41 माइनस 72 इंटू माइनस टू माइनस 18 माइनस टू स्क्वेयर, सॉल्व कर लीजिए, 41 72 दूना 144 और माइनस माइनस प्लस, ये 4 आ जाएगा प्लस का और 18 चौके 72। इस तरह से अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एक 5 14 4 18 माइनस 72, 5 में 2 चले गए तो 3 और 18 में 7 चले गए तो 11, ये अधिकतम लाभ आ गया। तो अर्जित उच्चतम लाभ 113 रुपए 113 इकाई, क्योंकि ये अर्जित उच्चतम लाभ रुपयों में है, ऐसा क्वेश्चन में हमको नहीं दिखाया है कहीं, इसलिए उसके लिए हम इकाई लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है अंतराल। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हमको एक इंटरवल दिया गया है और वो एक क्लोज्ड इंटरवल है, इंटरवल है 0,3 और एक फंक्शन है उच्चतम मान न्यूनतम मान ज्ञात करिए। तो फंक्शन को आप चाहें तो एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, वो है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये भी क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है और ऐसे अभी आपने कई क्वेश्चन लगाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे 4 पार्ट्स किए थे, चारों के चारों पार्ट्स में ऐसे इंटरवल आपको दिए गए थे, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं या मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्स फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना रहेगा हमको, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x⁴, 3x⁴ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 4x³ माइनस 8x³ का 3x² प्लस 12x² का 2x माइनस 48x का 1 और उसका 25 का 0। इस तरह से f डैश x की वैल्यू आ गई है 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, ये आ गया।
ये इक्वेशन नंबर वन। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदुओं के लिए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इज दिस 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो। आप एक काम करते, पूरी क्वेश्चन में 12 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये मिल जाएगा। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 चौके 48। दो दो पदों से कॉमन कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, ये एक्स माइनस 2 बचेगा, प्लस इनसे 2 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये एक्स माइनस 2 मिलेगा हमको, और एक में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसको एक बार जीरो के बराबर कर सकते हैं, एक बार इसको जीरो के, नो आई एम सॉरी, एक्स माइनस 2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू 2। फिर एक बार इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। ओ हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज नो, कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये कैसी वैल्यू है, दिस इज इम्पॉसिबल। या अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। आप आई के पदों में निकाल सकते हैं, आयोटा के टर्म्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन इससे कोई आपको रियल नंबर फाइंड नहीं होगा। अच्छा, तो रियल नंबर जो मिला वो क्या मिला हमको? 2 मिला। अब एक तो ये 2 मिला, दूसरा ये अंतराल हमारे पास है, हम इसको नंबर लाइन पर अगर आपको दिखाएं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सपोज दिस पॉइंट इज ज़ीरो और ये 3 भी है यहाँ पर, और 2, 3 से जस्ट थोड़ा पहले पड़ जाएगा 2, यहाँ पर 2। अब इन तीनों बिंदुओं पर ही हमें मान इसका निकालना है, तो हम निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 पर। एक सीरियल से निकालने जाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ 0, जहाँ जहाँ एक्स सब जगह 0 लिख दो, तो 0 0 0 0 वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 25। नाउ एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ वहाँ 2 लिखना है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ 2 लिखोगे, 2 का पावर 4 करोगे, 16, 16 3 48। मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ, ये 48 माइनस, यहाँ 2 लिखोगे, 2 का क्यूब करोगे, 2 2 4 2 8, 8 8 64, फिर प्लस 2 2 4 12 4 48, माइनस 48 2 96 प्लस 25। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 48 48 प्लस 96 बना, वो माइनस 96 से कैंसिल हो गया, माइनस 64 प्लस 25, 14 में 5 गए 9, 5 में 2 गया 3, माइनस 39। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई माइनस 39। अब एफ ऑफ 3 भी हमको निकालना है, तो एक्स बराबर 3 पर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, एक्स की जगह 3 लिखना है अब आपको, तो हम लिखेंगे 3 और एक्स की जगह 3 लिखेंगे ना, 3 की घात 4 करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81, 81 × 3 करना है, 81 3 243 माइनस 3 का क्यूब करो, 3 3 9 27, 27 × 8, 8 7 56, 8 लगे 5 और 8 2 16 और 5 21,
तीन तिया नौ तिया 27, अट्ठे 216, ठीक है। 8 सत्ते 56 और दूना 16 5 21। यहाँ 3 लिखोगे, 3 त्रिका 9, 12 9 108 प्लस 108। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 का 48 से मल्टीप्लाई, 3 8 24, 3 4 12 2 14 और प्लस 25। अब इसे सॉल्व करो, पहले प्लस वाले सब ऐड कर लो, ये और ये ऐड कर, 8 3 11 5 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 3 11 5 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 1 5 2 7, 2 1 3, ऐसे ही इसको इसको ऐड करो माइनस वाले, तो माइनस 6 4 10 की जैसे लगा 1, 4 1 5 1 6, 2 1 3, ये आ जाएगा 6 4 10 जैसे लगा 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 3, 376 में 60 चले गए 16। अब आप तीनों में कंपेयर करिए, एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई, एक इसका जो उच्चतम मान है वो कितना आएगा, उच्चतम मान होगा 25 और निम्नतम होगा -39। तो 25 ये उच्चतम है, अलग से आप चाहें तो लिख दीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप अपना कर सकते हैं। और -39 ये कैसा मान है, ये निम्नतम मान है, ठीक। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। एक बार चेक कर सकते हैं आप, 7 नंबर x बराबर 2 पर निम्नतम मान -39, x बराबर 2 पर निम्नतम और निम्नतम मान -39, x बराबर 0 पर उच्चतम और उच्चतम मान 25, ठीक आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आप चाहें तो इसको अलग से नोट कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड आई होप कि ये आपको समझ में भी आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, देखें, लिखा है अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 0.2 पाई, ये अंतराल दिया है, क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 2 पाई तक का, कि किन बिंदुओं पर फलन साइन 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। आपको बस केवल उसके उच्चतम मान के बारे में बताना है। ये फंक्शन है तो हमने fx लिख दिया, अब फिर से वही तरीका, क्योंकि इंटरवल गिवेन है, तो इंटरवल जो गिवेन होता है उसके कई क्वेश्चन अभी तक आप सॉल्व कर चुके हैं, सेम प्रोसीजर यूज़ होता रहेगा। तो हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो कॉस 2x, फिर 2x का 2 और आ जाएगा, ठीक। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तो ये हम लिख देंगे 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 या cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो cos 2x की वैल्यू 0, ये 2 जाके उधर 0 हो गया, cos 2x 0 के बराबर है, cos फंक्शन 0 है, cos फंक्शन कब 0 होता है, कॉस फंक्शन पाई बाई 2 पर 0 होता है, 3π/2 पर 0 होता है, 5π/2 पर 0 होता है, 7π/2 पर 0 होता है, ऐसे। तो अगर cos 2x 0 के बराबर है, इट मीन्स 2x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, 2x की वैल्यू आपकी हो सकती है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, ये सब एक्स की वैल्यू, 2x की वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब अगर ये 2x की वैल्यूज़ हैं, तो फिर x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं बेटा, वो आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। तो ये 2 आपको उधर भेजना पड़ेगा, सब के अपॉन में चला जाएगा ये, तो ये बना लेगा π/4, 3π/4, 5π/4,
7π/4, 9π/4, 11π/4, डॉट डॉट। लेकिन लेकिन इसके साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, और वो ये याद रखना है कि आपका जो एक्स हो वो इस इंटरवल से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, 0 और 2π के बीच रहना चाहिए, 0 और 360 के बीच रहना चाहिए। तो ये तो पाई बाई फोर 45 डिग्री है, बीच में है। 3π/4 135 डिग्री, ये भी इंटरवल में है। 5π/4 ये 225 डिग्री है, ये भी इंटरवल में है। 7π/4 45 × 7 आप करेंगे, 7 × 4 = 28, 3 × 31, ठीक है, ये भी 360 के अंदर है, ये ऊपर चला जाएगा मेरे ख्याल से। 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 और 4 = 40, ये एंगल ऊपर निकल गया। तो ये नहीं ले सकते आप, फिर इन वैल्यूज़ को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो 0 2π, 0 भी हो सकता है, 2π भी हो सकता है, उसके बीच का भी हो सकता है, तो यही तक आए। आगे की वैल्यूज़ तो 2π से बड़ी जाने लगी, तो वो हम नहीं ले सकते। पॉसिबल थी हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, वो खरी नहीं उतर रही तो हम उनको नहीं ले सकते, बस इतनी सी बात है। अब इन सॉरी वैल्यूज़ पर आपने अपना फंक्शन सॉल्व करके निकालना है और देखना है कि किस पर उच्चतम आएगा। उन्होंने बोला कि किन बिंदुओं पर फलन साइन 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, बस इतनी सी बात आपको निकालनी है। उसके लिए आप एक काम कर लो, डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सॉल्व कर लो। अब समीकरण एक से डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो 2 कॉस 2x का क्या होगा? कॉस 2x का होगा माइनस साइन 2x, और 2x का फिर से 2, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 4 sin 2x। ओके, अब इन सारी वैल्यूज पर आपको ये पता लगाना है। देखो, अब आप सोचेंगे इस बार भी तो क्लोज्ड इंटरवल दिया है, पर इस बार उस मेथड से क्यों नहीं करा जा रहा है? क्योंकि बेटा आप थोड़ा सा ध्यान करिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखो। उन्होंने ये बोला है कि किन बिंदुओं पर फलन साइन 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। आपको फलन का उच्चतम मान या न्यूनतम मान नहीं दिखाना है, वो बिंदु पता लगाने, जिन बिंदुओं पर फलन साइन 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, इसलिए हमने इस मेथड से यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे हम, 0 और 2π तो लेंगे ही, ये वाले एंगल भी ले लेंगे और देखेंगे किस पर ये नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि जिस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वो उन बिंदुओं पर हमारा फलन जो होगा वो उच्चतम मान प्राप्त करेगा। तो देखो, 0 पर निकालेंगे, फिर इन वैल्यूज पर निकालेंगे, 2π पर निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ डबल डैश 0 आप कर दीजिए, एक्स की जगह 0 लिखोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 sin, एक्स की जगह 0 करोगे तो पूरा 0 या 0 ही आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू π/4 पर f डबल डैश π/4, देखिए माइनस 4 sin 2 × π/4 −4 sin π/2, 2 × 4 sin π/2 की वैल्यू 1, तो ये −4 आएगा। अब x इज इक्वल टू 3π/4 पर f डबल डैश ऑफ 3π/4, f डबल डैश x में, x की जगह 3π/4 लिखेंगे, तो −4 sin 2 और x की जगह 3π/4, 2 × 4 −4 sin 3π/2, sin 3π/2 की वैल्यू के, sin π/2 + 1, sin 3π/2 −1, −1 को −4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगी। देखो, मैं इसका साइन भी बताते चलता हूँ, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अब 5π/4 पर देखिए, x इज इक्वल टू 5π/4 पर f डबल डैश 5π/4, f डबल डैश 5π/4 −4
साइन टू इसकी जगह पर 5 पाई बाई 4, -4 साइन 5 पाई बाई 2। साइन 5 पाई बाई 2 का मतलब ये हुआ कि देखो साइन पाई बाई टू पर +1, इस पर -1, 5 पाई बाई 2 पर फिर +1, +1 होगा तो ये मल्टीप्लाई करने से माइनस आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ गया। एक्स इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर, 7 पाई बाई 4 पर एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4, तो एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह 7 पाई बाई 4 लिखो, तो ये आ जाएगा -4 इंटू साइन 2 7 पाई बाई 4। ये आप जब सॉल्व करेंगे 2 2 4 7 पाई बाई 2, इस पर जो साइन आएगा +1 -1 +1 -1 आएगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे +4 आएगा, तो साइन होगा पॉजिटिव। अब आप सभी बच्चे जानते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में होता ये है कि अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वहाँ पर हमारा जो फलन होगा वो उच्चतम होता है। अब इन्होंने बोला कि कौन से बिंदुओं पर साइन 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो जहाँ जहाँ पर डबल सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ वहाँ उच्चतम मान होगा। तो कहाँ कहाँ पर, एक तो यहाँ उच्चतम मान है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ उच्चतम मान है, इसका मतलब है कि दिए गए फलन के दिए गए अंतराल पर वो बिंदु जिन पर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिए गए अंतराल पर वे बिंदु जिन पर फलन साइन 2x उच्चतम मान अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। कौन कौन से हैं वे बिंदु? वे बिंदु हैं, एक तो है एक्स की वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी क्योंकि फलन का मान नहीं चाहिए, तो एक तो है पाई बाई फोर पर और एक है 5 पाई बाई 4 पर। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर तथा 5 पाई बाई 4। फलन के ये दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर हमारा फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है, पाई बाई फोर और 5 पाई बाई 4 पर। ठीक, इस तरह से ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि समझ में भी आ गया होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर हम। प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है। एक फंक्शन है, मैंने लिखा नहीं है, लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस फलन का आपको उच्चतम मान पता लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए फिर से वही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए एक्स के सापेक्ष सबसे पहले अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ऐसे लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए जो एफ डैश एक्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब अगर हम कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कई बार हमें पहले भी मिल चुका है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, फिर इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू वन। टेन एक्स इज इक्वल टू वन होगा तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। टेन आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव रहता है, टेन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहता है, थर्ड में भी पॉजिटिव रहता है, थर्ड में भी पॉजिटिव रहता है मीन्स एक्स की एक वैल्यू मिलेगी पाई बाई फोर, एक पाई प्लस पाई बाई फोर मीन्स फाइव पाई बाई फोर। टेन फाइव पाई बाई फोर पर भी एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाई फोर पर भी जो टेन होगा वो कैसा होगा, वो होगा वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम जीरो से टू पाई के बीच में चेक कर ले रहे हैं, उसी में हम आपको मान निकाल के दिखा देंगे। तो जीरो से टू पाई के बीच में एक्स के दो ऐसे मान हैं जिनके लिए टेन की वैल्यू वन आ जाएगी, एक पाई बाई फोर पर टेन की वैल्यू वन आएगी और एक टेन जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, तो उस क्वाड्रेंट में अगर हम पाई बाई फोर को ले जाएंगे तो पाई प्लस पाई बाई फोर। ओके, अब इन दोनों पर निकालना है तो डबल डेरिवेटिव हमें चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए ना समीकरण एक से एफ डबल डैश एक्स। ये तो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिए, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए क्या होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। ओके, अब ये डबल डैश एक्स आ गया, अब हम एक्स बराबर पाई बाई फोर पर निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाई फोर पर निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर एफ डबल डैश पाई बाई फोर, मतलब एक्स बराबर पाई बाई फोर पर हम इसको निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर। एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह पाई बाई फोर लिखेंगे, ये माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू, दिस इज ऑल्सो माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू, माइनस टू अपॉन अंडर रूट टू और माइनस अंडर रूट टू। मैं फिर से वही कहूँगा कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है इससे हमें मतलब नहीं रहता है, उसकी वैल्यू का साइन कैसा है इससे हमें मतलब रहता है, और उसकी वैल्यू का साइन है नेगेटिव। इसलिए एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर दिया गया फलन उच्चतम है, उच्चतम है। देखो क्वेश्चन में बोला गया था उच्चतम मान क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर दिया गया फलन कैसा है उच्चतम, तो अब फाइव पाई बाई फोर पर क्या करोगे चेक करके, आपको उच्चतम मान ही तो चाहिए। अगर ये कहता उच्चतम और निम्नतम मान बताइए तो हम उस पर चेक करते, लेकिन क्योंकि अब हमें ये पता लग गया कि x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर ही हमारा जो फलन है वो उच्चतम है, तो बस वहीं से हम उच्चतम मान निकाल लेते हैं, अब हम इसको चेक नहीं करेंगे। इसलिए फलन के उच्चतम का बिंदु क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू पाई बाई फोर। फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान, तो फलन का उच्चतम मान अगर आपको निकालना है तो अपने फंक्शन में x की जगह पर क्या लिखो पाई बाई फोर। क्यों? क्योंकि पाई बाई फोर पर ही तो फलन उच्चतम है, इसलिए सॉरी हमने लिखा साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर वन अपॉन अंडर रूट टू, कॉस पाई बाई फोर वन अपॉन अंडर रूट टू, टू अपॉन अंडर रूट टू अंडर रूट टू, बस यही आपको लाना था। उच्चतम मान ज्ञात करिए तो फलन का उच्चतम मान अंडर रूट टू आ गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, यहाँ पर कर लेते
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो इंटरवल दिए गए हैं हमको, एक ये अंतराल है, सॉरी 1.3, और एक और भी अंतराल हमको दिया गया है बेटा, वो है -3, -1, 1.3, -3, -1। लिखा है अंतराल 1.3 में एक फंक्शन भी दिया गया है, तो मैं पहले उस फंक्शन को भी नोट कर लेता हूँ, दैट इज 2x³ - 24x + 107। अब मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है अंतराल क्लोज इंटरवल 1.3 में 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल क्लोज इंटरवल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात करिए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, और क्योंकि ऐसे क्लोज इंटरवल्स पर फलन के उच्चतम और निम्नतम मान हमने आपको निकालने भी बताए हैं, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप ही सॉल्व करेंगे। करना कैसे होता है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको। फलन एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा f'(6x²) - 24, और x का 1 हो जाएगा। बस अब इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए, अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए f'(x) का मान 0 होना चाहिए, मतलब 6x²-24 = 0, 6x²-24, x²(+-2). अब देखो, पहले आप इस अंतराल पर उच्चतम मान निकालिएगा, क्योंकि आपको महत्तम मान ही चाहिए, फिर इस अंतराल पर भी महत्तम मान निकालना है। मैं दोनों अंतरालों के लिए नंबर लाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले अंतराल कौन सा, 1.3 का, देखो ये नंबर लाइन जब आप ऐसे बनाएंगे, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 1.3 तो यहीं पर है, तो ये 1 हो गया, और इसे मैं मान लेता हूँ 3। हमारा जो x का मान आया वो +2, -2 आया है, 1 और 3 के बीच में +2 पड़ सकता है, -2 तो बेटा 1 से भी छोटा होगा, वो 1 और 3 अंतराल पे नहीं पड़ेगा, तो इस अंतराल पे केवल ये 2-3 वैल्यू पर आप चेक कर सकते हैं। जो दूसरा वाला इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल आपको दिया गया है, दैट इज -3 to -1, ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, दिस इज +∞, -∞, -3, -1, दिस इज -3 एंड दिस इज -1। अब x की जो वैल्यू आई, 1 + 2, 1 - 2, -2 तो यहाँ पर होगा, लेकिन +2 तो बेटा इससे बाहर हो जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे, जो इंटरवल से बाहर हो जाएगी वैल्यू उसको तो नहीं ले सकते ना हम लोग। तो ये, अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप इस अंतराल पे चेक करिएगा फलन का उच्चतम मान, तो x की जगह 1, 2, 3 रख रख करके फंक्शन की वैल्यू निकालिए, और जो सबसे बड़ी वैल्यू मिले वही इस अंतराल पर इस फलन का महत्तम मान होगा। ठीक इसी तरह से जब इस अंतराल पे चेक करने जाना, तो x की जगह -3, -2, -1 लिख लिख कर फलन के मान निकालिए, फलन के जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मिले वो उस अंतराल पर इस फलन की सबसे महत्तम मान होगा। तो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई क्वेश्चन कर चुके हैं, और मैंने हिंट भी आपको दे दी है, ये अब आपको करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ।
ये अपने आप से करिए, ये आपसे हो जाएगा। और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, क्योंकि आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। मैं उसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, यदि दिया है कि अंतराल 0.2 में, बंद अंतराल है 0.2 में, जो एक्स बराबर एक है, 0.2 इंटरवल में एक कहीं पर वन पड़ता है एक्स इज इक्वल टू में, तो क्लोज इंटरवल 0.2 में एक्स इज इक्वल टू वन पर फलन का मान उच्चतम है, ये उन्होंने बता दिया है, ये चीज़ हमको दी गई है। ये वो फंक्शन है एक्स टू द पावर 4 माइनस 62x² प्लस ए एक्स प्लस 9। उन्होंने बोला कि यदि दिया है कि अंतराल क्लोज इंटरवल 0.2 में एक्स बराबर एक पर फलन एक्स टू द पावर 4 माइनस 62x² प्लस ए एक्स प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो ए का मान ज्ञात करिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले करना ये है फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हल एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 4x³ माइनस 62 में 2x को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 6 12 x प्लस ए, ओके 9 का तो 0 हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब क्योंकि x बराबर एक पर जो फलन है उसका मान उच्चतम है, क्योंकि x बराबर एक पर फलन का मान उच्चतम है। देखो इसको ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू वन पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन एक क्रिटिकल पॉइंट है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि अगर x इज इक्वल टू वन पर फलन का मान उच्चतम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन एक क्रिटिकल पॉइंट है। और बेटा आप सभी लोगों को मालूम है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन पर x की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर f डैश x का मान शून्य हो जाए, याद आ रहे हैं आपको। तो अगर x बराबर एक पर फलन का मान उच्चतम है तो x बराबर एक एक क्रांतिक बिंदु है, अगर ये क्रांतिक बिंदु है तो इस बिंदु पर f डैश x का मान कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। इसलिए x बराबर एक पर f डैश x कैसा होना चाहिए, 0, ठीक। इस तरह से x बराबर एक पर f डैश x 0 होना चाहिए, इस तरह से। तो क्या करना है, हम f डैश x यानी कि f डैश 1, तो f डैश x में x की जगह पर 1 आप लिख दो, लिख दीजिए 1, 4 × 1³ माइनस 124 × 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये आया माइनस 120 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 120। ए की वैल्यू पूछी जा रही थी, ए की वैल्यू निकल करके आ गई 11 नंबर क्वेश्चन पे 120, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे की क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।